हेलो व्यूअर्स, ये है बोट वॉच स्टॉर्म जो मैंने रिसेंट परचेज़ की है। इसके बारे में कुछ बताना रहा, इसका रिव्यू बताऊंगा मैं आपको कि कैसी है ये। तो ये ऐसे दिखती है, आउटडोर, ये इंडोर है। पूरा इंडोर नहीं है लेकिन इंडोर की क्वालिटी है। शेड्स में ये ऐसे दिखेगी ऐसे। और अगर आपको धूप में देखनी है, बाहर सनलाइट में, तो ये ऐसे है। ये कैमरा में कम दिखता है आपको, वैसे अगर आप अपनी आंखों से देखेंगे तो ये अच्छी है, दिखता है साफ। एलसीडी डिस्प्ले लेकिन दिखती है, विजिबल है। ठीक है, मुझे थोड़ा शेड में ऐसा दिखेगी, देखो आंखों से भी ऐसी दिखेगी जैसे भी शेड में दिख रही है। अभी कुछ इसके फीचर्स, ये ब्लड प्रेशर लेवल चेक करने के लिए मैंने इसको ऑन किया, बीपी सेंसर। तो ये है मेरा फर्स्ट रिजल्ट, 13580। अब मैं इसको दोबारा से चेक करूँगा। ठीक है, फिर से मैंने इसको लगाया चेकिंग पे। यह सेकंड रिजल्ट, 13082। आप देख लेना पिछला रिजल्ट कितना, क्या डिफरेंस था इसका। और ये तुरंत ऑफ हो जाती है, इस बैटरी सेविंग के चक्कर में तुरंत ऑफ होती है। अभी मैं एक बार और करूँगा। यह है इसका थर्ड रिजल्ट। तो ये तीन चार अप डाउन होता है, जैसे कि 130 था, 81 था, तो ठीक है, नॉर्मल आपको पता चल जाएगा कि ठीक है। लेकिन परसेंट टू परसेंट वेरी करता है ये। अगर आपको तुरंत इसको किसी दूसरे पर्सन पर लगाएंगे तो ये अजीब से रिजल्ट दिखाता है, इतना ट्रस्टेड नहीं है जिस पे आप ट्रस्ट कर सको। हाँ, एक नॉर्मल सा आइडिया आपको दे देगा कि आप क्या है। अगर आपका कुछ ज़्यादा कम है या ज़्यादा कुछ ज़्यादा ही ज़्यादा है, तो मतलब अब समझ लो कि कुछ गड़बड़ है थोड़ा बहुत अपने। अब दूसरा इसका वो मैं, हाँ, ब्लड ऑक्सीजन लेवल दिखाता हूँ आपको ना। ये है इसका ब्लड ऑक्सीजन लेवल, जो बोल रहा है कि कीप स्टिल। यह है 90% SpO2। अगेन मैं इसको फिर से ट्राई कर रहा हूँ। इसमें टाइम लगता है ना, 99%। अभी पिछला कितना मुझे याद नहीं है, फिर से एक ट्राई करता हूँ। एक ये थर्ड अटैम्प है इसका ब्लड ऑक्सीजन लेवल का, देन चेंज नहीं हो रहा, फिर से एक बार करके देख। ठीक है, कुछ ठीक ठाक आंकड़े दिखा रहा है, 99%। इसका मैं आपको एक बार वॉकिंग मोड दिखाता हूँ कि कैसा क्या काम करेगा। ऑन कर दिया मैंने वॉकिंग मोड, और स्टेप्स लेता हूँ मैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ठीक है, 27। ये रुक क्यों नहीं रहा, ये हार्ट रेट भी दिखाता है इसमें कि कितनी चल रही है आपकी। एक सेकंड में सबको पॉज करना पड़ेगा, मेरे को पॉज करना पड़ेगा। मैंने 27 स्टेप काउंट किए हैं मेरी तरह, और ये बता रहा है कि 12 स्टेप्स। ठीक है, एक बार और चेक करता हूँ मैं इसका, फिर से एक बार वॉकिंग मोड पे लगाया। तो अभी मैंने काउंट किए, मैंने अपने हिसाब से 22 स्टेप्स, और ये दिखा रहा है 24 स्टेप्स। ठीक है, आपको इसको पॉज करना पड़ेगा, जब आप अपने मूवमेंट आप रोकते हो तो इसको पॉज करना पड़ेगा बटन से,
आप एक बार बटन प्रेस करेंगे ये पॉज हो जाएगी, ठीक है। और ये 24 स्टेप काउंट कर रही है, ठीक है, ज़्यादा कुछ डिफरेंस नहीं है, सही कर रही है। ओके, और मैं कुछ दिखाता हूँ इसका, ये कैलोरीज बर्न वगैरह, एक कैलोरीज बर्न दिखा रही है मेरी तो 70। ये हार्ट रेट मॉनिटर है इसका, ठीक है। ये है इसका, ये 90° हार्ट रेट मॉनिटर है, 92108, ये पता नहीं क्या है इसका। ये आपके स्टेप्स, BPM, ठीक है। ये इसके मेन फीचर्स हैं, ये कुछ नोटिफिकेशन से ऐसा कुछ हो करता है ये, ठीक है। मैं भी आपको इसका कॉलिंग मोड दिखाता हूँ, कैसे क्या कॉलिंग कनेक्ट करके दिखाना पड़ेगा मेरे को इसको।